अदील शाह एसएचओ हमारे कन्फर्म हैं और इंशाल्लाह और अदील शाह ही इंशाल्लाह बेस्ट कॉलोनी आवाम को खुशखबरी भी देंगे। उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी जी सर, आप क्या कहेंगे अदील शाह के बारे में कि उनको जो अदील शाह साहब को जहां लाया गया है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि ये मौजूदा जो सूरत हाल है ये इस बात की मुतकाजी थी कि किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे को, हम मुकम्मल टीम की हम बात करते हैं, मुकम्मल टीम में एसएचओ भी होता है, एसआईओ भी होता है और इसमें जावेद काकू साहब भी खड़े हैं, सदीक हिमायती साहब भी खड़े हैं, तो इनको भी हमने एतमाद में लिया है और क्योंकि ये स्टेक होल्डर हैं इस सिचुएशन में और इसमें डीआईजी साहब सीसीपीओ साहब से बाकायदा परमिशन लेके पोस्टिंग की गई है और एसआईओ के मुतालिक इन्होंने बताया कि एसआईओ से ये मुतमिन नहीं है तो अपने चेन ऑफ कमांड से परमिशन लेके एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने अभी उनको चेंज किया है एसआईओ को और जिनसे ये मुतमिन थे उनकी पोस्टिंग की है, तो जिससे ये कंप्लेनेंट पार्टी मुतमिन है उनको उनकी पोस्टिंग की गई है ताकि केस मजबूत से मजबूत हो, अच्छी जांच हो और जल्द अज जल्द हम कातलों तक पहुंच पाएँ। और जहां तक अदील का ताल्लुक है तो वो पहले भी यहां पे रह चुका है तो ये मुतमइन थे कि उसका एक्सपीरियंस है यहां पे। हमें इस बात से इस वक्त मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए कि कौन क्या है, हमें काम से गर्ज होनी चाहिए, हमें कातलों तक पहुँचना है ना कि किसी सियासत का हमें हिस्सा बनना है। बहुत शुक्रिया।